क्या ये भी है मुंबई का एक सच? होती है मानव तस्करी? क्या है मुंबई के कामार्थीपुरा की कहानी? क्या है इतिहास जिसने बना दिया इस जगह को भारत का एक रेड लाइट एरिया? कैसे लाया जाता है लड़कियों को यहाँ? जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में। भारत में दोस्तों बहुत से रेड लाइट एरियाज हैं और इनमें से कुछ तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, जैसे दिल्ली का जीबी रोड, कोलकाता का सोनागाछी वगैरह। और ऐसे ही बहुत से रेड लाइट एरियाज भारत में है जो न सिर्फ आज मौजूद है बल्कि कुछ पुराने समय से चले आ रहे हैं। ऐसी एक व्यापार से जुड़ी जगह है दोस्तों सपनों के शहर मुंबई में, जिसे कामार्थीपुरा कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कामार्थीपुरा के बारे में, क्योंकि रेड लाइट एरिया के बारे में हम जब भी सुनते हैं सिर्फ ऊपरी तौर पर सुनते हैं, लेकिन आज जो हम आपको कामार्थीपुरा के बारे में बताएंगे उसके बारे में जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि जहां मुंबई में एक और चकाचौंध देखने को मिलती है, वहीं दूसरी और कुछ ऐसी गलियां भी हैं जहां रात के अंधेरे में दूसरी तरह की चकाचौंध होती है, जहां एक शरीफ आदमी जाने से तो कतराता है लेकिन उन्हीं शरीफ चेहरों में छुपे कुछ असल चेहरे भी यहां छुपते छुपाते नजर आ ही जाते हैं। हालांकि देह व्यापार के इस काम के बारे में नियम कानूनों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट प्रोस्टिट्यूशन को भी एक पेशा मान चुका है। वेल, देश के सबसे बड़े शहरों में से एक और देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में दोस्तों हर साल देश भर की दूसरी स्टेट से यहां लाखों लोग इस उम्मीद के साथ आते हैं कि वो अपनी जिंदगी बेहतर कर पाएंगे या बदल पाएंगे। लेकिन असल बात करें तो कुछ लोगों के साथ ऐसा होता भी है, पर कुछ लोगों के साथ इसका उलट भी होता है। बदहाल जिंदगी से जूझ रहे कुछ लोगों की जिंदगियां और भी ज्यादा बदतर हो जाती है, क्योंकि अगर आप इस शहर में आते हैं तो इस शहर में सर्वाइव करने की एक ही शर्त है, और वो ये है कि आपको भी इस शहर के मुताबिक ही रहना पड़ेगा। इसलिए लोगों की कोशिश होती है कि वो मुंबई की लाइफ स्टाइल के हिसाब से खुद को ढाल सके। लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग यहाँ के रेड लाइट एरिया में पहुँच जाते हैं, वही एरिया जिसकी चर्चाएं पूरे देश में होती है, कामार्थीपुरा। हालांकि कामार्थीपुरा के अलावा भी कुछ और एरियाज है, लेकिन कामार्थीपुरा मुंबई के सबसे बड़े रेड लाइट एरियाज में से एक है। हालांकि ये एरिया शुरू से ऐसा नहीं था, किसी जमाने में इस एरिया को लाल बाजार के नाम से जाना जाता था। हालांकि आज की बात करें तो आज ये प्रोस्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है, जहां पहुंचते ही शरीफों के असल चेहरे सामने आ जाते हैं। 500 से 1500 रुपए के बदले में यहां पर जिस्म बेचा जाता है। जैसा कि ये रेड लाइट एरिया सिर्फ मुंबई का ही नहीं बल्कि देश के बड़े रेड लाइट एरियाज में से एक है, तो बता दें यहां पर जिस्म की कालाबाजारी इतने बड़े लेवल पर और इतने भयानक तरीके से होती है कि उसके लिए यहां पर बकायदा एजेंसियां मौजूद है, जिन्हें आमतौर पर दलाल कहा जाता है। फिलहाल की बात करें तो दोस्तों फिलहाल यहां पर गिने चुने लोग ही आते हैं, क्योंकि अब यहां पर प्रोस्टिट्यूशन उस लेवल पर नहीं होता है जिस लेवल पर कभी हुआ करता था। जैसे 90 के दशक की बात करें तो यहां प्रोस्टिट्यूशन इतने बड़े लेवल पर होता था और ये इलाका इतना मशहूर हुआ करता था कि बहुत से लोग तो न चाहते हुए भी यहां की बदनाम गलियों की तरफ खींचे चले आते थे। कहा जाता है कि साल 1992 के आसपास यहां पर प्रोस्टिट्यूशन की संख्या 45,000 तक हुआ करती थी, लेकिन फिर जब एचआईवी और एड्स के केस बढ़ने लगे तो धीरे धीरे मौत के खौफ से लोगों ने यहां आना कम कर दिया। वरना कहा जाता है कि यहां पर लोग इतनी बड़ी तादाद में पहुंचते थे जिसकी कोई हद नहीं होती थी। वेल, लोगों ने जब धीरे धीरे आना कम कर दिया तो फिर यहां के वर्कर्स की आमदनी भी धीरे धीरे घटती गई, जिस वजह से बहुत ने इस पेशे को छोड़ दिया और किसी दूसरे काम में लग गए। वरना तो दोस्तों यहां पर एक गरीब आदमी से लेकर अमीर आदमी तक, यहां तक कि उस समय के डॉन कहे जाने वाले लोग भी कामार्थीपुरा की गलियों में नजर आ जाते थे। लेकिन एचआईवी और एड्स के रिस्क को देखते हुए सबने आना तकरीबन बंद सा ही कर दिया। यही वजह है कि किसी समय पर सेक्स वर्कर्स को जो संख्या 45,000 तक हुआ करती थी, वही संख्या 2009 आते आते 1,500 के आसपास रह गई। लेकिन दोस्तों फिलहाल की बात करें तो यहां पर एक बार फिर से लोगों का आना बढ़ने लगा है और इसी के साथ सेक्स वर्कर्स की संख्या भी एक बार फिर से बढ़ गई है। इसलिए अब दोबारा यहाँ की गलियाँ रोशनी से चकाचौंध होने लगी हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर चकाचौंध के पीछे एक घना अंधेरा भी होता है, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन के इस पेशे में ज्यादातर महिलाएं या तो जबरदस्ती ढकेली जाती हैं या फिर मजबूरी के चलते उन्हें ये पेशा अपनाना पड़ता है। जबरदस्ती की बात करें तो कुछ तरीकों से तो आप भी वाकिफ होंगे। आपने भी किसी टीवी सीरियल या मूवीज में देखा ही होगा कि किस तरह से बहुत सी लड़कियों को बहला फुसलाकर बड़े शहरों में काम वगैरह का झांसा देकर लाया जाता है और कभी कभी शादी करके भी उन्हें फंसाया जाता है और फिर यहाँ लाकर उन्हें बेच दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पहुंचकर उन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होना तो तय ही होता है। ये काम दोस्तों दलालों के द्वारा किया जाता है, जो उन्हें पहले तो पैसों का लालच देते हैं, फिर भी अगर लड़की राजी नहीं होती तो उन्हें हर तरीके से मजबूर करने की कोशिश की जाती है, और तब भी अगर बात नहीं बनती तो आखिर में उन्हें ऐसी दवाएं इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं कि लड़कियों को पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या किया जा रहा है। ये सारी चीजें या काम दोस्तों शुरुआत से ही होते आ रहे हैं। हालांकि बहुत से लोग या कई एनजीओज वगैरह ऐसे भी हैं जिन्होंने इस तरह की लड़कियों को फिक्र की है और ऐसी लड़कियों की भलाई के लिए न सिर्फ कुछ फैसले किए बल्कि उनके लिए कुछ काम भी किए ताकि ऐसी लड़कियों की जिंदगी एक बार फिर से बेहतर हो सके। लेकिन फिर भी इस तरह के काम चोरी चुपके होते ही रहते हैं। वेल, जोर जबरदस्ती की बात करें तो ये काम काठियावाड़ी में भी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हमने जिंदगी के बदले की बात कही थी कि कुछ की जिंदगी वाकई में बदल जाती है और कुछ की जिंदगी बदहाल से बदतर हो जाती है, और उन्हीं बदतर जिंदगियों में इस पेशे से जुड़ी हजारों लड़कियों की जिंदगियां भी शामिल है। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि ये काम यहां पर अभी से नहीं हो रहा है बल्कि एक जमाने से ये पेशा और ये जगह यहां पर कायम है, तो हमारे ख्याल से दोस्तों आपको कामार्थीपुरा के इतिहास पर भी नजर डाल लेनी चाहिए। बता दें कामार्थीपुरा में प्रोस्टिट्यूशन का इतिहास अंग्रेजों के समय का है। कहा जाता है कि अंग्रेजों के दौर में इस जगह पर साल 1924 के दौरान प्रोस्टिट्यूशन की शुरुआत की गई थी, क्योंकि ज्यादातर अंग्रेज सैनिक अपनी फैमिली से दूर रहा करते थे, इसलिए अंग्रेज सैनिकों के लिए इस जगह की शुरुआत हुई थी। और अंग्रेजों के समय से ही यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन के लिए विदेशों से भी महिलाओं को लाया जाता था, जिन महिलाओं को लाया जाता था
था, ये काम उन्हें पैसे देकर करवाया जाता था। वेल फिर शुरुआत के बाद ये जगह धीरे धीरे काफी पॉपुलर होती गई। इसके बाद 1947 में देश आजाद हो गया और अंग्रेज भारत से चले गए, लेकिन उनका बसाया हुआ कमाठीपुरा उनके जाने के बाद भी वैसा का वैसा ही रहा और तब से अब तक भारत के सबसे बड़े रेड लाइट एरियाज में से एक है। वहीं इस जगह के इतिहास के बारे में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट बताती है कि कमाठीपुरा को करीब 200 साल पहले बसाया गया था। उस समय इस जगह पर आंध्र प्रदेश के तेलुगु बोलने वाले पिछड़े और मजदूर लोग रहा करते थे, जिन्हें कमाठी कहा जाता था। इन मजदूरों को हैदराबाद से बम्बई के कंस्ट्रक्शन के कामों के लिए लाया गया था। ये वही दौर था जब मुंबई में राजाबाई टावर, बॉम्बे हाईकोर्ट, विक्टोरिया टर्मिनल जिसे अब CST कहा जाता है और BMC हेडक्वार्टर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। फिर 1880 में इस एरिया को कमाठीपुरा जोन घोषित किया गया। बाद में 1924 में अंग्रेजों ने यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन की नींव डाल दी, जिसके बाद ये इलाका इसी काम के लिए मशहूर हो गया। वैसे बता दें, मुंबई के कमाठीपुरा में सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन ही नहीं होता है बल्कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बड़े स्तर पर होती है। इसलिए जहाँ एक तरफ मुंबई की चकाचौंध मुंबई का एक सच है, वहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी मुंबई का एक काला सच है। हालांकि सरकार और NGO वगैरह इस तरीके की चीजों को रोकने के लिए कोशिशें करते हैं, लेकिन ये कोशिशें शायद इसलिए कामयाब नहीं हो पाती क्योंकि लोगों का ऐसी जगहों पर जाना खत्म नहीं होता। अगर अभी की बात करें तो यहाँ पर लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी और बहुत सी लड़कियाँ अपनी मर्जी से भी इस काम को कर रही हैं। हालांकि ज्यादातर लड़कियाँ जोर जबरदस्ती और मजबूरी के चलते ही इस पेशे से जुड़ती हैं। हालांकि दोस्तों, कमाठीपुरा रेड लाइट एरिया के तौर पर ही जाना जाता है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर दूसरे बहुत से नॉर्मल काम होते हैं। इसी वजह से कमाठीपुरा को मुंबई में रोजगार का गढ़ भी कहा जाता है। यहाँ होने वाले दूसरे कामों में जैसे कबाड़ का मार्केट है, इसी तरह यहाँ पर बड़े पैमाने पर कपड़ों में डाई लगाई जाती है। यही नहीं, बुनाई और कॉर्पोरेट वगैरह के कारखाने भी और लेदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी यहाँ पर मौजूद है, जिनमें लोगों को रोजगार मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर 15 लाइनें हैं और हर एक लाइन में करीब 200 दुकानें हैं। अब क्योंकि ये जगह प्रोस्टिट्यूशन के लिए ज्यादा बदनाम हो चुकी है, इसलिए यहाँ के दुकानदारों ने इस एरिया को कैपी मार्केट कहना भी शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये थी मुंबई के कमाठीपुरा से जुड़ी जानकारी और मुंबई की चकाचौंध के साथ जुड़ा मुंबई का एक सच। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।